एक वाक्य मिलता है सीरतों के अंदर हमको मिलता है कि एक ऐसा एक मामला हुआ कि एक खेत के अंदर दो लोग थे आपस में, तो एक मुसाफिर आया और उसका जो ऊँट था तो उसने वहाँ पर खड़ा किया कुछ सुस्ताने के लिए, तो वो एक किसी के खेत में घुस गया और वहाँ पर कुछ चरने लगा हो, तो वो जो खेत का मालिक था उसको पसंद नहीं आया। उसने कहा कि भाई तेरे ऊँट को हटाओ यहाँ से, तो उसने कहा कि नहीं हटाता, मुसाफिर हूँ, मैं कहाँ ले जाऊँगा, मुझे नहीं पता तुम्हारा खेत है। वो ने नहीं हटाया, बोले हटा लो नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। तो उसने कुछ उसको कहा, उसने कहा भाई, तो बोले नहीं हटा, चाहे जो करना हो। तो उसने उसको कुछ कहा, कुछ बुरा उनने बोला, उसने उठाकर पत्थर खींच कर मारा, पत्थर ऐसी जगह लगा कि जाकर वो उसकी वजह से मर गया। अब मर गया तो उसके बच्चों को मालूम पड़ा, तो उसके बच्चों ने किया कि तो उसका किसास दिलाया जाए, हमको उनको बदला दिलाया जाए। हज़रत उमर का दौर था, हज़रत उमर उस वक्त खलीफा थे, उनके सामने मामला पेश किया गया कि ये शख्स है, ये फला फला अजनबी है, बाहर से कहीं से निकल रहा था और इस तरह का मामला किया और हमारे वालिद को इसने कत्ल कर दिया पत्थर मार के, तो हमको जो बदला दिलाया जाए। तो उनके जो भी 2-3-4 बच्चे थे उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पूरे मामले की हियरिंग की, पूरी गवाह सबूत और पूरे दिए, सारे उसके खिलाफ हो गए कि वाकई इसने किया, और उसने भी कबूल लिया कि हाँ मुझे नहीं पता था कि इतने से पत्थर मारने से, मुझे नहीं मालूम था कि यार, लेकिन वो कभी कभी ऐसी जगह लग जाता है कि छोटा सा पत्थर होता है, कभी गलत जगह लग जाता है, इससे मर गया। तो उसका इरादा नहीं था मारने का, लेकिन फिर भी मर गया। लेकिन हजरत उमर ने कहा कि मारा तो सही तुमने, गैर इरादतन किया हो, लेकिन किया तो था तुमने उसको मारने के लिए, मर गया, अब बदला तो दिया जाएगा, इसके बदले तुमको मारा जाएगा, यानी बदले का बदला कुरान में अल्लाह ने फरमाया। तो उस शख्स ने कहा ठीक है, मैं सजा लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चूंकि मैं मुसाफिर हूँ, मैं बहुत वक्त के बाद मैं घर जा रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वालों से एक बार मिलकर आ जाऊँ और उनको जाकर बोल जाऊँ कि मैं अब नहीं आऊँगा, या आखिरी बार आया हूँ, कभी वो मेरे इंतज़ार में है, तो कब तक उनको कौन खबर देगा। तो उन्हें कहा कि हज़रत उमर से उन्हें कहा कि बस इतनी छूट दे दी जाए मुझे, 1-2-3 दिन की, कि मैं उनके घर वालों से मिलकर वापस आ जाऊँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम तुम्हें जानते ही नहीं, तुम कौन अनजान हो, तो या तो फिर तुम किसी के बदले में रहन रख के जाना पड़ेगा, किसी आदमी को जमानत ले तुम्हारी कोई, तब जाकर हम फिर तुमको छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं छोड़ सकते, कि हम तुमको जानते भी नहीं, तुम भाग गए तो वापस तो आओगे नहीं फिर। तो उन्हें कहा कि नहीं मैं आ जाऊँगा, तो वो गुहार लगाने लगे कि कोई जमानत दे दे। तो वहाँ जो है अबू जर खड़े थे, हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो बुजुर्ग साहबी थे उस वक्त और बड़े पाए के बुजुर्गों में से आते हैं साहबा के अंदर, तो वो खड़े थे। तो उन्होंने कहा इसकी जमानत मैं लेता हूँ, चूँकि वो भी मुसलमान था शख्स, इन्होंने उनकी जो है जमानत ले ली कि ठीक है मैं जमानत ले लेता हूँ। अब वो शख्स चला गया और इधर जो है सब ने देखा कि अब वो आया नहीं तो कभी, तो ये तो इनके बदले तो इन साहबी को कत्ल किया जाएगा, क्योंकि किसास तो दिलाना पड़ेगा बदला। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं आया तो 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, और 3रा दिन भी हो गया, वापस जो है पूरा वो जजमेंट का पूरा अदालत जम गई, और वहाँ पर अबू जर भी आ गए और सब गमगीन, हजरत उमर खुद गमगीन के अब वो नहीं आया तो फिर क्या होगा, इंसाफ तो यही है कि जमानत ली तो उसके बदले इनको बदला दिया जाए, इनको कत्ल किया जाएगा। और सब साहबा भी परेशान कि इतने बुजुर्ग साहबी और किसी एक आदमी ने ऐसा कर दिया और नहीं आया तो हो जाएगा, बिल्कुल आखिरी स्टेज पर हो गया, वो सूरज डूबने ही वाला था, यानी जो फैसले का वक्त था उनका वो ख़त्म होने वाला था। वो इतने में देखते हैं कि एक आदमी उधर से घोड़े से आ रहा है और आकर जो है फिर वो आकर कहता है कि वो आ गया। तो वो जैसे ही वहाँ पर आया और आकर जो हजरत उमर ने उससे फिर फैसला सुनाने से पहले उससे कहा कि तुम्हारे पास तो इतना अच्छा मौका था, तुम चाहते तो भाग सकते थे, नहीं आते तो हम तो तुमको जानते भी नहीं थे, कौन हो तुम, तुम्हारा नाम पता हमको कुछ भी नहीं मालूम था, तुम चाहते तो भाग जाते, नहीं भी आते तो बच जाते। तो उन्होंने कहा कि तो वापस क्यों आए, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए वापस आया हूँ, मैं चाहता तो भाग सकता था, तो मेरे दिल में कुछ इरादा भी हुआ, लेकिन मैं इसलिए नहीं भागा कि फिर अगर लोग ये क्या देखेंगे पूरा माशरा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जमानत लेता है और उसको एक धोखा देकर भाग जाता है, कि मुसलमान इतने गिर गए कि एक दूसरे की जमानत, जान की जमानत को इसे धोखेबाजी करे, तो इस वजह से ताकि पूरे माशरा ख़राब होता, तो इसलिए वापस आ गया, एहसान और इत्तिकान का ये अहम, मैं इसलिए वापस आ गया। तो हज़रत उमर ने हज़रत अबू जर से पूछा, बोले तुम तो इनको जानते भी नहीं थे, और तुम जानते भी नहीं थे तो फिर क्यों अपनी जान के बदले सौदा कर लिया, ये शख्स नहीं आता तो तुमने ऐसा क्यों किया। तो हज़रत अबू जर कहते हैं कि मैंने इसलिए ऐसा किया कि क्या एक मुसलमान की जमानत देने वाला पूरे माशरे के अंदर मौजूद नहीं, कि उसकी एक जुबान जब वो कह रहा है
तो उसकी बात का कोई तो यकीन करने वाला हो, तो कोई आगे नहीं बढ़ा, तो मैंने इसलिए किया ताकि जो है माशरे के अंदर ये ना फैले कि मुसलमानों की कोई जमानत लेने वाला ना हो, तो इसलिए मैं आगे आया। यानी उन्होंने भी एहसान किया, एहसान और इतकान। तो ये बात जब हुई और तब फिर वो जो दोनों दो तीन बेटे उनके जो खड़े थे जिस शख्स का कत्ल हुआ था, और जब ये मामला उन्होंने ये देखा तो उनने कहा, वो रोने लगे दोनों, वो दो दो तीनों बच्चे उसके हजरत उमर के साथ। बोले तुम्हें क्या हुआ? तो बोले कि हम ये चाहते हैं कि अब जो हमारे बाप का बदला लेना ही चाहते हैं, हम उनको माफ़ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तुम क्यों माफ़ करना चाहते हो? परसों तुमने जो है 3 दिन पहले तो कहा था कि हमको बदला दिलाया जाए, और तुमने पूरा सब गवाह सबूत पेश किए। तो बोले कि हम इसलिए करना चाहते हैं कि क्या मुसलमानों के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं बचा कि अगर किसी से गलती से कत्ल हो जाए तो क्या उसके ऊपर दरगुजर और एहसान का मामला नहीं बचा? क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जो है तुम लोगों को माफ़ करो? क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? तो हम भी चाहते हैं कि जो है हम इसको माफ़ कर दें, ताकि मुसलमानों के अंदर ये ना हो कि कोई किसी को गलती से कत्ल कर दे तो उनके ऊपर इतना दिल बड़ा भी नहीं उनके कि लोगों को माफ़ कर सके। तो हमने भी इनको माफ़ कर दिया। तो एहसान और इत्तिकान का ये मामला अब ये पूरे समाज को, क्योंकि एक इससे क्या हुआ, सिर्फ नेकी किसने शुरू की थी? हजरत अबू जहल, उन्होंने शुरू की। वो देखिए वो नेकी कैसे बढ़ी, वो नेकी बढ़ी उस शख्स को वापस ले आए, और वो बढ़ी तो उसके बदले में क्या मिला? उसकी जान बची, उसके जो है उन्होंने माफ़ी कर दिया उसको। तो नेकी जो नेकी और एहसान जो जब बताते हैं वो उसको जताते हैं, ये ना समझे कि वो उसका जाया चला जाएगा, वो बढ़ती जाती है एक से दूसरे और वो मल्टीप्लेट होती है और बढ़ती जाती है। तो हम ये ना देखें दुनिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि अरे भाई एक आदमी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है, कहीं काम करता है, या जो अपने माल को झूठ बोलकर बेचता, बोले यार मैं अकेला नहीं बेचूँगा, अकेला ही सच में बेचूँ, बाकी सब तो झूठ में बेच रहे हैं, तो क्या करूँ, मैं भी इनके साथ ही बेचूँ, कैसे भी करके बेचूं, उसको मिलावट करके बेचूं? नहीं, वो एक आप नेकी आप किसी कीजिए, आप एहसान तो कीजिए, आप अच्छा काम कीजिए, देखिए वो किस तरह बढ़ेगा। आप एक आदमी सुन के मेरे अकेले रिश्वत लेने से क्या नहीं होगा, 100 ऑफिसर से सब तो ले रहे, आप शुरू तो कीजिए, आप शुरू करेंगे वो इसी तरह इस वाक्य के हम देखें कि एक ने शुरू की नेकी एहसान, वो देखिए किस तरह उसको बढ़ती गई। तो हम तो एहसान का मामला ये कि हम लोगों के साथ में अच्छाई का काम करेंगे तो फिर वो बढ़ता चला जाएगा, और उसे कहमत उसका अल्लाह अपनों को अच्छा जो है अजर देगा और जखीरा बनाकर उसको देगा।